तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल अचपन स्टडी विद धीरज। सो क्या मेरी वॉइस अभी क्लियर है? क्लियर हो तो थैंक यू यार। कल मतलब मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि चैनल पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ नई ट्रिक्स कर दी थी उसकी वजह से मैं डाउन जा रहा था। तो मुझे एक पैराग्राफ मिला जो मैंने मेरे चैनल के स्टार्टिंग में वो मैंने पढ़ा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं खुद ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दूँ। पता नहीं उस पैराग्राफ में क्या था, एकदम सिंपल और छोटा। तो वो जब मैंने चैनल की, जैसे जो मैं प्रमोटिंग करता हूँ आप सबको पता ही होगा, तो मैंने प्रमोटिंग की, तो उससे मतलब मेरे को 16 जनों ने कहा कि ना ये अच्छा चैनल है बट वॉइस फिक्स कर दो। या मेरे को पता है वॉइस फिक्स करने का, बट अब मैं क्या करूँ, मेरे पास माइक्रोफोन नहीं, ईयरफोन नहीं, ईयरबड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे फ़ोन का, वो भी रेडमी 4 का माइक्रोफोन। तो मतलब समझ ही सकते हो, रेडमी 4 नया वाला भी नहीं, पुराना वाला 11 साल पुराना। सो मतलब समझ ही सकते हो। ठीक है चलो, अब बिना किसी बकवास लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो कल अपन ने बहुत कुछ पढ़ा था पर किसी को समझ में नहीं आया, तो आज अपन ना थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बट सबको वो समझ में आएगा, क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं, नहीं मतलब जल्दी करते हैं, जल्दबाजी नहीं। तो आज मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि है 7.2, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस और एनिमल्स तो हमने पढ़ लिया और हमको ये पता भी चल गया कि किससे होता है, इंपल्स से होता है, मसल से होता है, किससे होता है। बट अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में क्या हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स के पास मसल्स भी नहीं है, उनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो उनके पास कोऑर्डिनेशन कैसे करते होंगे वो, इसकी कोई ना कोई तो वजह होती होगी। सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और देखो मैं वैसे बताना नहीं चाहता, मतलब चाहता हूँ बताना, मतलब मेरे को अस्थमा है और अगर कोई मेरा व्यूअर ऐसा है जिसको अस्थमा है तो मैं बता दूँ कि मैंने 50% क्योर कर लिया है, सिर्फ 50% और बचा है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे क्योर किया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको पूरा बता दूंगा, विद इन अ मंथ आप क्योर कर पाओगे, वो मेरा प्लान है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम, पता है एनिमल के पास तो नर्वस सिस्टम होता है, फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। बट जो प्लांट्स हैं उनके पास नेदर तो नर्वस सिस्टम होता है न ही तो मसल्स होती है। सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? स्टिमुलाई मतलब एक सडन एक्शन का, हमको जब रिएक्शन देना होता है तो हम उसको स्टिमुलाई कहते हैं। सो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ चुईमुई, चुईमुई मतलब कि टच मी नॉट प्लांट है, ये एक मिमोसा फैमिली का प्लांट है, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, मतलब कि जैसे हम उनको टच करते हैं तो वो फोल्ड अप हो जाते हैं, सो फोल्ड अप द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर। व्हाट हैपेंस, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, सबसे पहले जो सेंसिटिव प्लांट्स के जो लीव्स है वेरी क्विकली इन रेस्पॉन्स टू द टच, वो सबसे पहले सारा एक्शन करती है। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है उस मूवमेंट में। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट में उनको किसी की जरूरत होती है और इंडिपेंडेंट में उनको किसी की जरूरत नहीं होती, नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। क्या मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मतलब आपके घर में आपने कहीं पर कोई गमला रखा होगा, ठीक है, उसमें एक प्यारा सा प्लांट उग रहा है, तो मतलब अगर इस साइड विंडो है और इस साइड से अगर उसको धूप मिल रही है, सूरज की सनरेज मिल रही है, तो वो प्लांट इधर नहीं जाएगा या सीधा नहीं होगा, वो प्लांट चला जाएगा इस तरफ सनलाइट लेने के लिए। देखा होगा कई बार, मतलब मेरे घर में भी तुलसी जी का प्लांट है, तो मतलब उनको मैंने खिड़की के बाहर रखा था तो वो खिड़की के बाहर चले गए, कोई मीनिंग नहीं रहा, फिर मेरे को छत पर रखना पड़ा उनको। सो ये देखो, इफ़ यू थिंक अबाउट एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इज एक्चुअली मूव, देखो हम उस प्लांट के पार्ट, कौन सा पार्ट को टच कर रहे हैं, वो है लीव्स को, और उसका कौन सा पार्ट मूव हो रहा है उसका पता है? तो एक्चुअली में जो उसका पार्ट मूव हो रहा हैपेंस एट द पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट, वो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है। सो द इंफॉर्मेशन जो उसने टच की है वो अकर्ड होती है, कम्युनिकेट होती है, फिर प्लांट यूज एन इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स टू कन्वे, मतलब अपन सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल यूज़ करते हैं, कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज़ नो स्पेसिफाइड टिश्यू इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में कोई ऐसा स्पेसिफाइड टिश्यू नहीं है इस इन्फॉर्मेशन को उस इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाने के लिए। इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फाइनली अगेन एज एनिमल, तो एनिमल के जैसा ही फाइनली हार्श कुछ सेल होते हैं इसमें जो चेंज होते हैं उनके शेप्स के हिसाब से हैपन। इंस्टेड ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, प्लांट सेल्स चेंज शेप बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप। सो ओके, अभी है मोमेंट ऑफ द ग्रोथ,
मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ भी एक टाइप होता है सम प्लांट्स, लाइक अ प्री प्लांट। प्री प्लांट मतलब कि वो प्लांट होते हैं ना जो चढ़ के, मतलब किस में देखा होगा आपने, मोगली वाली में देखा होगा, नहीं मोगली नहीं, टार्जन में देखा होगा ना, उसके कैसे ट्री हाउस में, मतलब ऐसे बेल की बेल अपन है उसको देसी लैंग्वेज में बेल कहते हैं, मतलब वो चढ़ती रहती है। मनी प्लांट नहीं होता क्या, मतलब इतना बड़ा सा हो तो वो चढ़ता रहता है। सो जस्ट लाइक डेट प्री प्लांट वो क्लाइम्स ऑन अ सपोर्ट एंड ग्रोज है, एंड ग्रोज है। प्लांट्स ऑन फेंसेज बाई मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। देखो ये भी टेंड्रिल सेंसिटिव होती हैं, व्हेन दे केम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रेपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है टच कर दिया वो आपको वेनम के जैसे अंदर फंसा लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। दिस कॉज ऑन द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लाइंबिंग इनटू इट। मोर कॉमनली प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। It appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारों के पास बुक नहीं है, सो मतलब मेरे पास भी नहीं है। सो मतलब मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढा कि कोई बुक से पढ़ा रहा हो, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हो लाइक टीचर्स, बट नहीं कोई भी नहीं था वहाँ पर। आई थॉट कि नहीं मैं खाली नहीं बैठूँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। सो अब मेरे को सब कुछ पता चल गया है, थोड़े दिनों में मेरा चैनल भी बुर्ज खलीफा के ऊपर आएगा, आत्मन स्टडी विद धीरज। ठीक है, सो बड़े बड़े सपने छोड़ देते हैं, तो अब मैं ये कुछ डायग्राम है वो समझा देता हूँ। तो ये देखो मैंने कहा था और यहाँ भी गया, मतलब ये कुछ ऐसा ही है, मतलब ये सनरेज आ रही है ओके, और ये फिर इधर से जा रही है राइट। तो सनरेज तो ये प्लांट इधर भी जा सकता था, सीधा भी जा सकता था, नीचे नहीं जा सकता था, बाकी ये इधर जा रहा है। फिर ये दूसरा वाला प्लांट, देखो प्लांट की बायोलॉजी के हिसाब से प्लांट में जो है जो ये शूट्स हैं ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेंगे और जो रूट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे। पर अगर आप इसको इस पोजीशन में कर देते हो तो प्लांट इन ग्रोइंग मोमेंट वो ऐसे ऊपर चला जाएगा और शूट्स इन ग्रोइंग मोमेंट नीचे चले जाएंगे। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट एंड ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट द प्लांट ग्रोज इन। मेरे को अभी तक 3 चीखें आ चुकी हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। दिस डायरेक्शन और ट्रॉपिकल मूवमेंट्स कैन बी नेदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोमॉर्फिक मूवमेंट। देखो फोटोमॉर्फिक मूवमेंट जो है वो एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट्स का, रेस्पॉन्ड बाई बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट वाइल शूट रेस्पॉन्ड बाई बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। हाउ डज दिस हेल्प इन द प्लांट? तो शूट जो है वो मतलब लाइट से दूर जाते हैं प्लांट्स, शो ट्रोपोजियम इन द रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल एज द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स ऑलवेज ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रेस्पॉन्स टू पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी। देखो अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कैप्शन है वो ऑन कर दो, ऑटोमेटिकली इंग्लिश कैप्शन आपके सामने हो जाएंगे। कैन वी थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट्स? वन एग्जाम्पल ऑफ द केमीट्रोपिज्म, केमीट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन। अरे नहीं यहाँ पे थोड़ी थी क्या, इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कैमो मीन्स में कैमो मीन्स केमिकल वाट विल बी द हाइड्रो हाइड्रोट्रोपिज्म एंड केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म ठीक है, तो देखो इसमें अब कुछ भी नहीं है तो मैं एक एग्जांपल केमोट्रोपिज्म का दे देता हूँ। इन द ग्रोथ ऑफ फॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स होल्स अबाउट विच वी हैव लर्न मोर व्हेन वी एग्जांपल द रिप्रोडक्टिव। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें वाटर का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, मैं दे देता हूँ। एक बीकर है इसमें अंदर वाटर है ठीक है, ये है बीकर नंबर ए। यहाँ से एक ट्यूब जा रही है, मतलब फिल्टर पेपर की ट्यूब है ठीक है, मतलब जिसमें गिल्ली है वो इस वाली साइड से वो गिल्ली है, इधर इस वाली साइड से वो सूखी है। सो ये ट्यूब फिर से बीकर में गई पर बीकर बी जो है वो सूखा है, तो यहाँ पर कुछ सीड्स हैं ठीक है। तो अब ये जो सीड्स हैं ये स्प्राउटिंग जो करेंगे ना इनकी चालू वो वाटर की साइड करेंगे, तो ये है हाइड्रोपोटिज्म। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स का चैप्टर खत्म हो गया। इन मूवमेंट्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज रेस्पॉन्स टू डे एंड नाइट, ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स विल इवन स्लोअर स्लोअर इवन इन द एनिमल बॉडीज, देर आर केयरफुल कंट्रोल डायरेक्शन टू द ग्रोथ और आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन अ सर्टेन डायरेक्शन नॉट हैपेडाइजली नो सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी एदर स्लो और फास्ट। If fast response to the stimuli are to be made, information transfer must happen very quick. For this, the medium of the transmission must be able to move. देखो मक्खी भी आ रही बनने, मतलब मोबाइल पे 3 मक्खियाँ बैठी हुई है, क्या बताओ यार।
इतना सफ़र करके मैं पढ़ा तो फिर भी वॉइस सही से नहीं आती। वेरी बैड वेरी बैड। और कहाँ तक बढ़ाना चाहिए, बढ़ा रहा हूँ फिर बस। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एन एक्सेलेंट मीन्स फॉर दिस, बट देयर आर लिमिटेशन टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फर्स्टली, दे विल रीच ओनली दो सेल डेट आर कनेक्टेड बाई नर्वस टिश्यूज, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल, ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट मैकेनिज्म बिफोर इट जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। इन अनदर वर्ड्स, अ सेल बिफोर इट जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। इन अदर वर्ड्स, सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। दिस इज दस नो वंडर डेट मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। If instead of generating an electric impulse, children such as cell release a chemical compound, this compound will diffuse all around the original cell. If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, then they will be able to recognize information and even transmit it. This will be slower of course connection, and it can be done steadily and persistently. This compound or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity. As we would expect, different plant and hormones help to coordinate growth, development, and response to the environment. They are synthesized away from where they act and simplify and diffuse areas of action. Let us take an example that we have worked with earlier. Activity 7.2. When growing a plant detect light, a hormone called exume synthesized at the shoot tip helps the cell to grow longer. When the light is coming from one side of the plant, exume diffuses towards the shady side of the shoot. This concentration of the exume stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot, which is away from the light. Thus, the plant appears to bend towards the light. Another example of the plant hormone are cabelins, which like exumes help in growing of the stem. Cytokines promote cell division, and it is natural that they are present in a greater concentration in areas of rapid cell division, such as in fruits and seeds. These are examples of plant hormones that help in promoting growth. But plants also need signals to stop growing. Ascorbic acid is one of the example of hormone which inhibits growth. Its effects includes wilting of leaves. So, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये कर लेते हैं. कुछ नोट्स पे भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं. तो नोट्स है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड मूवमेंट इन प्लांट. इसके दो टाइप होते हैं, एक मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक मूवमेंट इनडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. सो डिपेंडेंट ग्रोथ का एक टाइप है जो कि है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ यानी कि इंटरमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. सो एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स और टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट. तो ठीक है, तो इसमें जो ये है ना ट्रॉपिकल मूवमेंट्स, इसके कुछ टाइप होते हैं, फोटोप्रिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कैमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म में मूवमेंट होती है लाइट की तरफ, जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी की तरफ, कैमोट्रॉपिज्म में केमिकल्स या फिर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, और या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर टूवर्ड्स वाटर. अब प्लांट्स के हॉर्मोन्स क्या है? सो एरिया आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट. प्लांट हार्मोन, मेन प्लांट हार्मोन आर एक्जूम, ग्लैबेरियम, साइटोकिनेस, एब्सेरिक एसिड. देखो, एक्जूम जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ में और फोटोट्रॉपिज्म में, और काइबरलियम जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ की स्टेम में, और साइक्लोक्लोपिज्म जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. वहीं जो एब्सेरिक एसिड है वो कॉज करता है वेटिंग ऑफ द ग्रिफ, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है ये. ओके, सो अब क्वेश्चन आंसर. सो ये रहा सॉल्यूशन. सो एक मिनट. So, what are plant hormones? Question number one. So, answer: plant hormones are phototherms, aren't naturally occurring organic substances. These are synthesized in one plant of the plant body in minute quantities and are translocated to the other parts when required. The five major types of photohormones are exume, cabelin, cytochromes, ascorbic acid, and ethylene. Ethylene का अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, but ethylene भी होता है. What is the movement of the leaves of the sensitive plants different from the movement of the shoot towards light? क्योंकि देखो ये वो वाला है, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ एंड मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ. अब इसमें जो मूवमेंट जो लीव्स का हो रहा है सेंसिटिव प्लांट्स का, मीमो मोसा पुडिकल, यानी कि क्या नाम था उसका, स्विमोई प्लांट, अकर्स इन रेस्पॉन्स टू टच एंड कॉन्टैक्ट. तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट है ग्रोथ से, मतलब इसको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है.
शूट्स हो रहे हैं जो टूवर्ड्स लाइट की तरफ हो रहे हैं, तो उनको लाइट की तरफ जाने के लिए ग्रो होना पड़ेगा, तो वो डिपेंडेंट है ग्रोइंग पर। अब गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ, वो है एक्जियम। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू एक्जियम प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एन टेंडिल अराउंड अ सपोर्ट। देखो एक्जियम जो है वो शूट टिप पे होता है, इट हेल्प्स द सेल ग्रो लॉन्गर। मतलब जो किसी का मतलब कुछ टाइम अगर लॉन्गर जा रही है, सेल अगर लॉन्गर हो रहा है, तो उसमें एक्जियम ही उसका काम कर रहा है। तो जहाँ पर एक्जियम बोलेगा वहीं पर ही सेल को जाना पड़ेगा, वहीं पर ही उसको स्ट्रेच होना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेशन हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो ये मैंने पहले बताया था, इसलिए मैं इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। सो आज की क्लास हो चुकी है खत्म, ध्यान रखिए, कोविड से बचे रहिए और मास्क पहनिए। सो प्लीज़ लाइक और मैं सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो आज मैंने बहुत मेहनत की है इसी वॉइस के लिए, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।